हम लोग अंदर से महागठबंधन कैसे हैं आप लोग? हम लोग हैं गया में, सुबह सुबह हम लोग गया के महाबोधि टेंपल गए थे, वो वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ, जाके देखिए। और अभी हम लोग जा रहे हैं सुजाता टेंपल, सुजाता स्तूप। सुबह सुबह जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ चुका था, सन्नी भी परेशान हो गया था और मैं भी परेशान हो गया था, क्योंकि हम लोगों ने बोधि टेम्पल में तो गए ही गए थे, साथ ही साथ हम लोग उसके बाद दूसरे जो मोनेस्ट्री बने हैं, 8-10 मोनेस्ट्रीज है, वहाँ भी गए थे। और फिर अंत में ऐसा लगा कि अब थोड़ा सा हमको रेस्ट कर लेना चाहिए, तो वापस से हम लोग तैयार हो गए हैं। सनी नहा रहा है और बस सब हम चलने वाले हैं। यहाँ के पर्दे लाल क्यों है पता है आपको? क्योंकि हमने इस होटल को ओयो से बुक किया था, ओयो एप्लीकेशन से, और वो हर चीज़ लाल कर देते हैं। यहाँ पे कुछ तकिया वकिया भी लाल हैं। बोध गया में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के कॉल आ रहे थे और कुछ बिहार से भी मिलने के लिए आए थे, मैं सो गया था, आई एम सॉरी। सन्नी जग रहा था, बोल रहा था बहुत सारे लोगों के कॉल आ रहे थे, तो उनमें से एक दो लोगों के कॉल उसने पिक भी किए, तो जिनके भी कॉल आ रहे थे मैं उन सबसे फिर से रिकॉल कर रहा हूँ और कॉल करके उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल मिलेंगे हम लोग। हाँ, अभी रात का डाला है, अभी सुबह का ही डाला, सुबह का भी आएगा। तो ये हमारा होटल है, जीके पैलेस, महान होटल, अच्छा होटल। एक बात तो है कि जितने प्राइस में जो हमें रूम मिला है वो तो अनबीटेबल है, वो कहीं नहीं मिलेगा। बांग्लादेश की जो मोनेस्ट्री है उसके जो भिक्खू हैं वो सबको जलजीरा पानी पिला रहे हैं, और ये सामने मोनेस्ट्री है। तो ये जो फ्री बस चल रही है जो आपको गया जंक्शन से लेके बोध गया टेम्पल तक आपको फ्री मिले जा रही है। सावन प्रधान जी हैं ये, बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे हमारा, और साथ में हमारे भीम आर्मी के लोग हैं, कुछ जिला महासचिव हैं, जिला महासचिव हैं, पटना जिला महासचिव। तो यहाँ पे तो कुछ साइड में सुना था कुछ प्रॉब्लम चल रही है बीमार, वो प्रदेश में। अच्छा अच्छा, जो उससे पहले थे वो कुछ तकलीफ दे रहे थे क्या? तकलीफ तो नहीं दे रहे थे, अब ये तो अंदर की बात है, क्या बात है नहीं है ये तो अब राष्ट्रीय कमेटी जानते हैं। पटना जिला से, पटना जिला के यहाँ पर लोग, तो जिला कमेटी भंग नहीं हुई है, प्रदेश कमेटी भंग हुई थी, तो अब तो सुचारू रूप से अब बन गई है। अभी हम लोग फिर सुजाता टेंपल जा रहे हैं, और आप लोग चल रहे हो साथ में? हाँ साथ में। ये सुजाता टेंपल है जो आपको पीछे दिख रहा है, यहाँ पे सुजाता का वो स्तूप भी है, स्तूप कितना हुआ इसके अंदर जाके देखिए अपना, स्तूप भी है ना यहाँ पर, तो अंदर में ना है, रोड पर सिखा के। ये वो सुजाता टेंपल है जहाँ पर, ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है वो, लेकिन यहाँ पे सुजाता जो है वो खीर खिलाते हुए दिख रही हैं, पास से दिखाऊंगा थोड़ी देर से। पर बुद्ध को जो खीर खिलाई गई थी वो जो जिन सुजाता का जिक्र होता है वो यही हैं, और ये उनका टेंपल है। चलकर देखते हैं थोड़ा सा इनको। इस जगह पे खिलाई थी। अच्छा, तो ये एग्जैक्ट वो जगह है जहाँ पे
बुद्ध को जो है खीर खिलाई थी, और ये कंफर्म बात यहाँ के जो लोग आए हैं उन्होंने बताया, वैसे मुझे थोड़ा डाउट था, बट यहाँ पे जो मूर्ति आपको दिख रही है और जो खीर खिला रहे हैं ये उसी एग्जैक्ट लोकेशन पे हैं। उसके बाद दो तीन मूर्तियाँ और बन गई हैं पीछे उसके, और उसके पीछे दो मूर्तियाँ जो अभी दिखाई हैं आपको मैंने। कितनी मतलब ये ऐतिहासिक जगह है, जिसका प्रमाण भी है कि बाद भी यहाँ का डेवलपमेंट देखने पे बड़ी हंसी आ रही है मुझे। यहाँ का जो एरिया है ये सारा, तो जितना ये डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है यहाँ पर, मतलब बिल्कुल गांव होता है उससे भी बुरी हालत है यहाँ पर। ये इतना ऐतिहासिक जगह है, तो पूरा बिहार ऐसा ही है क्या? पूरा बिहार का तो नहीं, लेकिन इस एरिया का हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मांझी की सरकार है, यहाँ पे मांझी का भी चलती है, तो जो भी करेंगे यहाँ पे मांझी ही करेंगे। जो यहाँ पे सब डेवलपमेंट की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं दूसरे कंट्री से भी, तो सबसे ज़्यादा बिहार में बौद्ध गया को डेवलप करना चाहिए था, लेकिन सबसे कम डेवलप अभी बौद्ध गया है। और मैं बौद्ध का विचार अगर जीवित है तो समझिए अम्बेडकर विचारधारे वाले के ही वजह से जीवित है। क्या बोल रहे हैं सन्नी, नाम तो सुना ही होगा। जो ये हमारे साथ हैं भीम आर्मी के जरूर हैं लेकिन लोकल बिहार के लोग हैं, तो उनसे ये पूछना बहुत ज़रूरी था। मेरे को समझ नहीं आ रहा था ये बात कि जब यहाँ पे जितने लोग इस वक्त हैं, आपको लोग पीछे दिख रहे हैं, जितने लोग इस वक्त हैं ना, इसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो फॉरनर भी हैं यहाँ पर, कुछ भनते हैं फॉरनर हैं। तो अगर कोई अगर ऐसी जगह है, अगर MP में कोई भी ऐसी जगह होती जहाँ फॉरनर आ रहे होते, तो उसको MP टूरिज़्म अपने अंडरटेक कर लेती और बहुत अच्छी तरह से डेवलप करती उसको। इतना छोड़ा बहुत भरोसा आया मुझे MP टूरिज़्म पे। लेकिन बिहार में देखिए आप, राजगीर में जैसे इनसे मैंने पूछा कि अभी मैं लोगों से पूछ रहा था सबसे कि ना राजगीर में एक बुद्ध की 70 फुट ऊंची मूर्ति लगाई गई है, तो वहाँ पे ऐसा क्या एशियंट चीज़ है? बट उनका ये कहना है कि वहाँ पे ऐसा कुछ एशियंट चीज़ नहीं, वो सिर्फ एक टूरिज़्म का स्पॉट बनाना चाहते थे इसलिए उनने ऐसा किया है। लेकिन ये एक एशियंट प्लेस है, यहाँ पर बुद्ध को सुजाता ने खीर खिलाई थी, उसके बाद यहाँ ये ही वो जगह यहाँ से मिडवे का कॉन्सेप्ट आया था। और एक खास बात और ये है कि यहाँ पर नदी हुआ करती थी जिसका अभी अता पता नहीं है। रास्ते मैंने आपको दिखाई थी जो सूखी हुई नदी दिखाई थी, वही उसी का हिस्सा है। खीर खाने के बाद शायद नदी के पास गए थे बुद्ध, और जब बुद्ध ने खीर खा ली थी उसके उस समय उनके साथ 5 उनके अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे जो उनके साथ रहते थे। लेकिन जब उनने ये देखा कि सुजाता के हाथ से बुद्ध ने खीर खा ली है, तो वो ये सोच के उनको छोड़ के चले गए कि वो एक ढोंगी है। जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था उसके बाद वो सारनाथ गए थे, और सारनाथ में जाकर उन्होंने वो 5 लोग जो उनको छोड़ के चले गए थे, उन्हें सारनाथ में मिले थे और उन्हीं को फिर उन्होंने उपदेश दिया था, और उसके बाद उनने बुद्ध को अपना बुद्ध को वो समझ गए थे उनको देख कर कि उनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा खास जगह है, लेकिन इसकी हालत देखिए क्या है। अरे ये बताइए, जब आप लोग इतने पास में रहते हो, 80 किलोमीटर है मात्र, तो यहाँ इससे पहले नहीं आए? नहीं आते थे, बस भाई लोग आते थे एग्जाम देने के लिए यहाँ आते थे लोकल से। यहाँ नहीं आए? यहाँ नहीं, क्यों नहीं आए? वही बोल रहा हूँ, इतने पास रहते हुए नहीं आए? नहीं आते हैं, मुझे यहाँ से लगभग मुझे लगता है 1000 किलोमीटर है ग्वालियर। इस मंदिर की जानकारी नहीं थी सही, बस जो बौद्ध में बौद्ध गया में फेमस है वही उसी के बारे में बस जानता है। हाँ वहाँ पे बौद्ध स्थल है, लेकिन यहाँ पे सुजाता मंदिर भी है आज पता चला, वो भी आपके माध्यम से बोलिए। सबसे बड़ा बात है कि लोग जो है ना, और भी जैसे सरकार है इसको इतना डेवलप भी नहीं करती और ऐसा एडवर्टीजमेंट भी नहीं करते लोगों को पता चले। आप हालत देख ही सकते हैं, यहाँ पे काफी फॉरेनर लोग भी आते हैं। कुछ पंक्तियाँ वगैरह सुनाने की बात कर रहे थे। मेरा नाम युवक अभी सामंत प्रधान है। भाई आए थे तो भाई के लिए भी कुछ लिखे थे और सोचे थे कि बाबा साहेब के बारे में कुछ सुनाए। कुछ कविता मेरा कुछ इस प्रकार है, मुश्किलें बढ़ रही है तो बढ़ने दो, मुश्किलें बढ़ रही है तो बढ़ने दो, दीवानगी और चढ़ेगी। मुश्किलें बढ़ रही है तो बढ़ने दो, दीवानगी और चढ़ेगी। महात्मा गौतम बुद्ध के दर पे आया हूँ, बाबा साहेब की दीवानगी और चलेगी। क्या बात है, बढ़िया। और एक और है लास्ट में, मैं इतना कहना चाहता हूँ, जैसे जैसे भीम कहता हूँ महात्मा गौतम बुद्ध के विचारों में जीता हूँ, और सबको महात्मा गौतम बुद्ध के विचारों से जुड़ने की गुजारिश करता हूँ। और लास्ट पंक्ति में इतना कहना चाहता हूँ, अंजुल भैया एवं सभी भीम आर्मी एवं सनी भैया को जय भीम और नमो बुद्धाय कहता हूँ। जय भीम। चलो आपको भी जय भीम।
डेवलपमेंट देखिए, ये नदी है, ये सूख चुकी है और यहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं है। अगर कोई यहाँ आना भी चाहे तो मुझे लगता है 5-6 बजे तक कोई नहीं आ पाएगा। हाँ, ये मतलब कि बहुत जल्दी ये जो मौसम के कारण अंधारामय हो जाता है, जिसके कारण लोगों को आने में फिर प्रॉब्लम होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे ना रोड लाइट का भी उतना कोई व्यवस्था नहीं है। रोड लाइट नहीं है यहाँ पे, अंधेरा हो गया, फिर कौन आएगा यहाँ पर? और सरकार भी उसको इतना डेवलप करने की कोशिश नहीं कर रही। वो बुद्ध जी का एक जंगल में आप गए थे और वहाँ दिखा रहे थे, आप चढ़ चढ़ के दिखा रहे थे उसको, वहाँ गौतम बुद्ध जी का। हाँ, बिहार में हम लोग अंदर से महागठबंधन हम लोग जहाँ अगर बिहार में बसपा मजबूत है हम उसके साथ हैं, लेकिन जहाँ पर ये लग रहा है कि बसपा को वोट देने से बीजेपी जीत जाएगी, तो एक हम लोगों ने आपसी चर्चा से एक मंथन के बाद हम लोगों ने निकाला कि अगर महागठबंधन जैसे आरजेडी जीताराम मांझी जी के पार्टी के अगर सांसद जीत के जाते हैं तो शायद बहन जी जब प्रधानमंत्री बने तो 1-2 सीट का मदद हो सकता है, लेकिन बीजेपी अगर जीत जाएगा तो बहन जी का ना प्रत्यक्ष रूप से हमने मदद कर पाया है ना, और ना अप्रत्यक्ष रूप से। एक बार भीम आर्मी में क्या तकलीफ हो गई, सब क्यों बंद करना पड़ा था? समस्या ये था कि भीम आर्मी के संगठन से एक उम्मीद जगी पूरे देश के नागरिकों में कि हम इसके बेहतर तरह संघर्ष कर सकते हैं ना, लेकिन संघर्ष टीम जो जुड़ पाए वो बाबा साहब के सिद्धांत से लैस नहीं, यानी उनके अंदर एक चेतना, सामाजिक चेतना होना चाहिए, वो नहीं, जिसके कारण बहुत ही कम समय में अपनी हैसियत को नहीं समझ पाए और गलत डिसीजन लेना शुरू कर, जिससे भीम आर्मी से जो उम्मीद है वो उम्मीद लोगों की खत्म हो रही है। इस वक्त आप प्रदेश प्रभारी हैं, बिहार के प्रदेश प्रभारी मनोज भारती जी भी जुझारू रहे हैं, लोगों को एकजुट करने में काफ़ी हेल्प करा, इससे पहले भी भीम आर्मी में एक अच्छे पोस्ट पे थे, तब इनका कार्य को देखते हुए चंद्रशेखर भाई ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भीम आर्मी के इनको ये बागडोर दिया। शाम हो चुकी है, अब थोड़ा सा बोधी टेंपल और चलें ताकि वहाँ पे एक दो शॉट और ले लें। इस वक्त का जो नज़ारा है, अभी हम लोग जो है फाल्गुन नदी के पास एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, वहाँ बैठे हुए थे, भीम आर्मी के कुछ साथी मिल गए थे, कुछ चीज़ें डिस्कशन कर रहे थे बिहार में क्या चल रहा है। तो ये युवा कवि सावंत प्रधान थे जो हमें गया में मिले थे और जो भीम आर्मी की सारी टीम लेकर आए थे, ये और काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं और प्रदेश प्रभारी हैं। क्या मिलती है? अब मुझे लग रहा है मेरी थोड़ी सी एनर्जी कम हो रही है, चार्ज खत्म हो रहा है मेरा, तो मैं स्ट्रिंग ढूंढ रहा हूँ और गया में स्ट्रिंग मुश्किल है कि मिल जाए, लेकिन ट्राई करते हैं शायद कहीं ना कहीं मिल जाए।